हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन का पेपर। देखिए फिफ्थ पेपर है, फिफ्थ पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ स्कूल्स सब्जेक्ट के प्रति ये जो है एग्जाम है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम पेपर को किस तरीके से बच्चों ने किया है और किस तरीके से इसकी मार्क को हम सेकेंड नंबर करते हैं। और चलिए चलते हैं आपके स्कोर की ओर, तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं हमारी इस वीडियो में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्कोर को चेक करिएगा, आपका कितना स्कोर आपने इंक्रीज किया है। तो देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है। ओके, फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है। जी बिल्कुल, फर्स्ट का जो आंसर है सी है, सेकंड का जो आंसर है वो ए है। ओके, सेकंड का जो आंसर है वो ए है और थर्ड का जो आंसर है वो सी है। थर्ड का जो आंसर है वो सी है। ओके, फोर्थ का जो आंसर है वो डी है। ओके, फोर्थ का जो आंसर है वो डी है। फिफ्थ का जो आंसर है वो डी है। ओके, फिफ्थ का जो आंसर है वो डी है। सिक्स का जो आंसर है वो है आपका बी। ओके, सिक्स का जो आंसर है वो है बी। सेवन का जो आंसर है वो है ए। ओके, सेवन का जो आंसर है वो है ए। जी सेवन का जो आंसर है वो है ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर है वो है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो आंसर है वो है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, देखिए मुझे थोड़ा डाउट टेबल लगा था, इस वजह से मैंने इसे ड्रॉप किया है। आप इसे देख लेंगे क्या कौन सा है, वैसे बच्चे ने इसमें डी लगाया है, आप इसे चेक कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे आप डी है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी है। क्वेश्चन नंबर 24 का आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का है बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर देखेंगे तो डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है वो होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आप आंसर देखेंगे तो वो रहेगा आपका डी। ओके, क्या रहेगा डी। मुझे इसमें देखिए यहाँ डी है तो आप इसे डी की ओर लगाएंगे। ओके, चलिए 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासन की प्रकृति है। देखिए अनुशासन सीखने से संबंधित है। अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश या सिद्धांतों की अवधारणा है, तो सी इसका आंसर होगा, सी सिद्धांतों की अवधारणा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 31 है डी। ओके, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत होता है, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत होता है मनोविज्ञान, सी होगा इसका आंसर। पर यहाँ पर जो है मुझे इसमें डाउट लग रहा है, आप देखेंगे ए भी हो सकता है, क्योंकि आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ये डाउटेबल क्वेश्चन है भाई, 31 डाउटेबल क्वेश्चन है। अब देखें 32 में आप देखेंगे PhD stand for द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, है ना, क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जी 33 का आप आंसर देखेंगे, 33 का है बी। ओके, 34 का आप आंसर देखेंगे, 34 का है बी। 35 का आप आंसर देखेंगे, 35 का है डी। ओके, 36 का आंसर देखेंगे ए। 37 का आप आंसर देखेंगे सी। 37 का आंसर देखेंगे सी। 38 का जो आंसर है वो डी। 38 का जो आंसर है वो डी। 39 का जो आंसर है वो डी। ओके, 40 आंसर को देखेंगे, 40 का जो आंसर है वो ए। 41 का जो आंसर है वो है आपका 41 का जो आंसर है वो है डी, क्या है, 12 पार्ट। ओके, 42 का आंसर देखेंगे, 42 का आंसर है सी। 42 का आंसर है सी। 43 का आंसर है बी। ओके, 43 का आंसर है बी। 44 का आंसर है बी। 44 का आंसर है बी। 45 का आंसर है ए। ओके, 45 का आंसर है ए। 46 का जो आंसर है वो है आपका
47 का जो आंसर है वो है बी। ओके 47 का जो आंसर है वो बी है। 48 का देखिए, 48 का जो आंसर है वो डाउटेबल है, इसे आप ड्रॉप करेंगे 48 को। 49 का देखेंगे, 49 का जो आंसर है वो सी है, 49 का जो आंसर सी है। 50 का जो आंसर है वो है सी, 50 का जो आंसर है वो सी है। 51 का जो आंसर है वो बी है, 51 का है सी, 51 का है सी। ओके 52 का आंसर देखेंगे, 52 का आंसर है वो है, 52 का जो आंसर है वो है बी। ओके 53 का आंसर है वो है डी, 53 का जो आंसर है वो है डी। 54 का जो आंसर है वो है ए। ओके 55 का आंसर है वो है डी। 56 डाउटेबल है भाई, 56 को ड्रॉप करिए। 57 का जो है वो है डी। ओके 58 का है डी। 59 का है डी। 60 का आंसर है सी। ओके 60 का आंसर है सी। 61 का जो आंसर है, देखिए 61 का जो आंसर है वो है सी। ओके जी 62 का आंसर है ए। 62 का आंसर है ए। 63 का आंसर है ए। ओके 63 का आंसर है ए। 64 डाउटेबल है। 65 देखेंगे, 65 का जो आंसर है वो है बी। 66 का आंसर है सी। 66 का आंसर है सी। 67 का आंसर है बी। ओके 67 का आंसर है बी। 68 का आंसर है डी। 69 का आंसर है बी। ओके 70 जो है डाउट है, तो डाउटेबल क्वेश्चन को छोड़ेंगे भाई। क्या देखिए, डाउटेबल क्वेश्चंस को हमें कराने का कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं है, जो डाउट है उन्हें हमने ड्रॉप किया है। ओके 72 का देखेंगे, 72 का ए। ओके 73 का बी, 73 का बी। ओके 74 का डी। 75 का सी, 75 का ए होगा, सॉरी 75 का ए। ओके 76 का सी, 76 का सी। 77 का होगा आपका डी। क्या होगा 77 का डी। 78 का सी, 78 का सी। 79 का ए, 79 का ए। ओके 80 का सी, 80 का सी। 81 का ए, 81 का ए। 82 का बी, 82 का बी। 83 का देखेंगे, 83 का जो आंसर है बी, 83 का आंसर है बी। 84 का जो आंसर है वो डी, 84 का आंसर है बी। 85 का आंसर है डी। ओके 86 में ए एंड बी, यानी कि सी आंसर। 87 का ए। ओके 88 का सी, 88 का सी। 89 का डी। ओके 90 का ए, 90 का ए। 91 का डी जी। 92 का डी। ओके 92 का डी। 93 का आप देखेंगे डी। 94 का आप देखेंगे डी। 95 का आपको डी। ओके 96 में है आपका डी। ओके 97 है डी। 98 का है आपका बी, 98 का है बी। 99 का है ए। और 100 का जो आंसर है वो है सी। ओके 100 का है वो आंसर सी। तो ये थी बी एड की जो क्वेश्चन पेपर 5th जो हुआ है उसका, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट के जो पेपर था उसका सॉल्यूशन था। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।